आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि बसो कल्याण के नौजवान बेदार हो चुके हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रहे हैं, जिसका नमूना हमें आज की इस ओपनिंग में देखने को मिला। जो न्यू कर्नाटका सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए अवाम की खिदमत करने का जो जज्बा लेकर यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले हम पूरे गेस्ट की ओर से इन तमाम जो प्रेसिडेंट हैं, शेख शरीफ साहब, मोहम्मद आर खान साहब वाइस प्रेसिडेंट, और शेख असलम साहब जनरल सेक्रेटरी, और शेख अफजल मौलाना जॉइंट सेक्रेटरी, और शेख कलीम साहब जो कि इस ट्रस्ट के ट्रेजरर हैं, हम पूरे गेस्ट की ओर से आपको पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही एक बात आज के इस मौके पर कहना ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक जज्बा होता है सामाजिक काम करने का, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए और एक टीम के ज़रिए अगर वो करता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा असरदार होता है और अब पूरे कौम के लिए, पूरी समाज के लिए जो है एक बहुत फ़ायदे का काम है ये। तो पहले से खान साहब हमारे शरीफ में आए, वो सब ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बहुत काबिले मुबारकबाद हैं सभी मेम्बरान। और जो भी मैंने कुछ और भी मेम्बरान हैं उनके मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं बिल्कुल अल्लाह से दुआ करूंगा आज के इस मौके पर कि अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौम का और समाज के लिए बेहतरी का काम ले आपसे। शेख असलम ये ट्रस्ट के जिम्मेदारों में से एक जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ, ये हमारी जो न्यू कर्नाटका सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये हम 2 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम करना और बोल के बताना नहीं है। हम काम कर रहे हैं लेकिन हम सोशल मीडिया पे वायरल वगैरह नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम बहुत सारे हैं, 2-3 काम हैं, एक जो ओपन हुए सो वो जो 2 काम हैं वो बता सकता हूँ, बाकी बहुत सारे काम हैं वो बता रहे हैं हम, कोई न्यूज़ वगैरह ऐसा वायरल करना वो करके बोल के बताना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए हम वो चीज़ नहीं कर रहे। अंदरूनी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज़ जो अपना बसो कल्याण में जो कुत्तों की तरफ से थोड़ा तकलीफ हुई थी, एक बच्ची को कुत्ता बहुत ज़्यादा भाड़े थे, तो इस वजह से वो बच्ची की तरफ से भी हम थोड़ा हेल्प करें, फर्स्ट हम बसो कल्याण से फर्स्ट हेल्प करें। हम ये सोच के करें कि चलो भाई हम थोड़ा कर रहे हैं लेकिन हमारा देख के कोई और भी आ जाएंगे, बोल के हम उस मकसद से आगे जाके करें। और ऐसे कोई भी चीज़ है जो करना चाह रहे हम, करके क्या है बोल के बताना वो हमारा मकसद नहीं है, फिर भी क्या है हमारा देख के कोई और 4 जने ने करना, ये हम सोच के काम कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे भी करते रहेंगे। न्यू कर्नाटका सोशल वेलफेयर ये कमेटी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और मैंने सुना कि ये लोग बसो कल्याण में एक बच्ची को कुत्ता पकड़ा था, जो सबसे पहले पहुंचकर उसके दवाखाने का ख़र्चा भी दिए और उस ले जाकर गुलबर्ग तक उनकी रहनुमाई भी करे। तो ये सोशल वर्क, अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि इन लोगों को जो है उसकी नेकियाँ अता करे, इनके अंदर मजबूती आए और इनको अल्लाह ताला हर तरीक़े की सहूलतें, हर तरीक़े की मदद फरमाए अल्लाह ताला, ताकि ऐसे नौजवान बच्चे जब कौम में बेदार होते हैं तो वह कौम को जो है बहुत सारा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनको और तरीक़ों से अल्लाह ताला नवाजे। आज न्यू कर्नाटका सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका उद्घाटन समारंभ रखा गया है, जिसमें बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारी यंग जनरेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम कर रही है, जिसमें हमारे शरीफ साहब, असलम साहब, अफजल साहब सब मिलकर आगे बढ़कर जो काम कर रहे हैं, ये युवाओं के लिए प्रेरणा है। आने वाले दिनों में हमको इसकी सबको ज़रूरत है कि हम मिलकर चैरिटेबल, किसका कोई ज़रूरतमंद का कुछ भी काम है इसके लिए हम बढ़ चढ़ कर आगे, हर एक नौजवान का ये काम है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, काम करना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करना, ये हमारे बस की काम बात नहीं है, ये अल्लाह जानिब है। अल्लाह जिसको चुनता है उससे काम लेता है, हम चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकते। किसी मजलूम की अगर कोई मदद हमारे दिल से हम करना चाह के भी नहीं कर सकते, वो काम अल्लाह लेने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेता है उसी को चुनता है। तो ये मेरी ये चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद है, और आने वाले वक्त में, आने वाली ज़रूरतों में चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारी कहीं भी रईस हो, हम हो, अमजद भाई, इमरान है, हम सब हैं, हम आपके साथ हैं, जब भी जो भी ज़रूरत वक्त पे, जो भी तन मन धन के साथ, जानी माली वक्ती हर चीज़ के साथ हम तुम्हारे साथ खाने को खांदा लगा के खड़े रहेंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ इंशाल्लाह।